आर यू अवेयर अबाउट योर पेल्विक फ्लोर मसल्स? क्या आप पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में जानते हो एंड डू यू नो कि उसके फंक्शंस कितने इम्पॉर्टेंट है? सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मधुरा कदम. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ फैक्ट्स पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में. एंड आप इस वीडियो में जान सकते हो कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक है या फिर वो टाइट है. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड because I'll be giving you few of the exercises जो आपको help कर सकते हैं आपके pelvic floor muscles को relax करने में and उसकी conditioning करने में. So अभी हम देख सकते हैं ये image जिसमें pelvic floor muscles दिख रहा है जो एक pelvic region में है. So इन्हीं muscles का काम होता है एक sling की तरह सारे internal organs को handle करना. जैसे हम देख सकते हैं इसमें ब्लैडर है, रेक्टम है, यूट्रस है जो फीमेल्स में देख सकते हैं एंड प्रोस्टेट है जो मेल में होता है. सो इन्हीं सारे ऑर्गन्स को हैंडल करने का काम होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स का. नाउ द मेन फंक्शन इज, अगर आपको वॉशरूम जाना हो वेदर टू यूरिनेट और टू पास द स्टूल, ओके, एंड एक अर्जेंसी फील करते हो, देन क्या होता है वॉशरूम पहुंचने तक आप थोड़ा कंट्रोल कर लेते हो. तो यही कंट्रोल करना या फिर होल्ड करना उसी समय पे, यही पेल्विक फ्लोर मसल्स का काम होता है. जस्ट इमेजिन अगर यही पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाए तो क्या हो जाएगा? डजंट इट साउंड लिटिल स्केरी? सो नाउ आई विल गाइड यू विथ फ्यू ऑफ द सिम्टम्स एंड आप समझ पाओगे वेदर आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो वीक है या फिर वो टाइट है. जस्ट रिमेम्बर कुछ सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं वीक एंड टाइट में, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आपका मेजर कंसर्न ये होना चाहिए कि यदि इसमें से कोई भी सिम्टम आप नोटिस कर पाते हो या सस्पेक्ट कर पाते हो, देन यू नीड टू गेट एग्जामिन एंड कंसल्टेड टू द डॉक्टर. सो नाउ द सिम्टम्स फॉर द वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स. द फर्स्ट सिम्टम है इनकॉन्टिनेंस. इसका मतलब होता है कि यदि आप हंस रहे हो, खांसी आ गई या छींक भी आ गई, तो आपका यूरिन अगर निकल जाता है या फिर लीक होता है, इसका मतलब होता है कि वो इनकॉन्टिनेंस है, यानी आपके मसल्स वीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. एट टाइम्स हो जाता है कि आपको यूरिन जाना हो बट उसके पहले ही आप यूरिन का लीकेज महसूस कर सकते हो बिफोर यू रीच द वॉशरूम इटसेल्फ. दिस आर द सिम्टम्स फॉर द वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स. इफ यू फील कि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जो पेनफुल यूरिनेशन होता है, देन यू माइट बी सस्पेक्टेड विद द वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स. एट टाइम्स ऐसे हो जाता है कि हम कुछ बेंड करके सामान कुछ उठाने जाते हैं जो काफ़ी हैवी हो, एंड एट दैट टाइम इफ यू फील देर इज सम लीकेज ऑफ यूरिन और या फिर स्टूल भी थोड़ा बहुत पास हो जाता है, दिस मीन्स कि पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक है. सो अब हम बात करेंगे टाइट पेल्विक फ्लोर मसल्स के सिम्टम्स के बारे में. सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन, जो मैंने ऑलरेडी वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स में भी कहा था, बिकॉज ये दोनों भी इंटर रिलेटेड है. सो अगर आपका मसल टाइट है एंड आप कॉन्स्टिपेशन फ्रीक्वेंटली आपको होता है, सो वॉट यू विल डू इज कॉन्स्टेंटली प्रेशर या फिर स्ट्रेन आता है मसल्स पे, एंड अगर इसी को रिपीट किया जाए देन आपके मसल्स वीक हो सकते हैं. दिस इज द रीजन कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके मसल्स वीक भी हो सकते हैं एंड टाइट भी रह सकते हैं. सेकेंड इज इनकम्प्लीट एम्प्टींग होता है आपके बॉवल का या फिर ब्लैडर का. सो द नेक्स्ट इज अर्ज टू यूरिनेट, यानी आप वॉशरूम तो पहुंच जाते हो यूरिन पास करने के लिए, बट एक कुछ समय का डिलेड यूरिनेशन होता है, एंड ऑल्सो यू कैन नोटिस कि जो फ्लो है यूरिनेशन का वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है. This is because your pelvic floor muscles are tight. So if you have any pain in the joints, जैसे कि pelvis में हो, hip में हो या फिर tailbone में हो, it is because आपके जो muscles हैं वो tight हो सकते हैं. So ये सारे common symptoms थे tight as well as weak pelvic floor muscles की वजह से. And these symptoms, अगर आप इसमें से कोई भी सस्पेक्ट कर लेते हो फिर नोटिस करते हो, देन यू नीड टू गेट एग्जामिन एंड कंसल्टेड, बिकॉज ये सारे सिम्टम्स ट्रीटेबल है. सो एट द एंड
लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेस। इस बात को ध्यान में रखिए, अगर आप कंफ्यूज्ड है कि कौन सा एक्सरसाइज करना है, सो जस्ट रिमेम्बर ये जो एक्सरसाइजेस हैं आपके पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करने के लिए है एंड उसकी कंडीशनिंग करने के लिए है। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस, गेट द गाइडेंस लाइक विच एक्सरसाइजेस टू डू, क्योंकि अगर आपने नोटिस कर लिया या फिर आप एग्जामिन कर चुके हो कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट है या लूज है, तो उस हिसाब के आपके कस्टमाइज एक्सरसाइजेस रहेंगे। Begin by lying on the floor with your knees bent and feet flat on the floor. Now gently breathe in and breathe out. Once you breathe out, आपको आपका जो navel यानी नाभि है वो against the spine आपको press करना है इस तरह से, and pelvic floor muscles को contract करना है 1 second के लिए। आप इसको repeat कर सकते हो 10 times with 10 seconds of rest and 2 to 3 sets. Begin by lying on the floor with your knees bent. In this, gently inhale through the nose and mouth से release करना है, यानी breathe out करना है। जब आप breathe out कर लेते हो तभी आपको आपका नाभि against the spine press करना है and pelvic floor muscles को आपकी तरफ pull करना है। उस pull को maintain करते हुए ही आप heel को slide कर सकते हो। याद रखें कि हील को उतना ही स्लाइड करना जब तक आप कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन कुछ सेकेंड में ही छूट रहा है, देन आप ज़्यादा नी को स्ट्रेट न करते हुए यू कैन कंटिन्यू विथ वन लेग इट्सेल्फ। यू कैन पुट ऑन द सॉक सो दैट एक ईजी मूवमेंट हो पाए एंड जेंटली उसको रिपीट करना 10 slides ऑन ईच लेग। Once you are done, you can rest and relax. Begin by lying flat on the floor and अभी दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लेना है। अभी हम breathe in करेंगे nose से and breathe out करेंगे mouth से। जब भी हम breathe out करेंगे, similarly हमको नाभि को against the spine press करना है and pelvic floor muscles को pull करना है। पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड कोर को एंगेज रखते हुए ही हमें नी को इस तरह से ऊपर उठाना है अल्टरनेटली। सो एक पाव के बाद ही दूसरा पाव उठाना है एंड याद रखें कि इस पूरे एक्सरसाइज में कोर मसल्स को और पेल्विक फ्लोर मसल्स को एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नॉट फील एनी पेन इन योर लोअर बैक एंड यू कैन डू दिस ऑल्टरनेट टाइम्स 12 to 20 times इन टोटल and then you can relax. अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, जिसमें आपको सीधा लेट जाना है या फिर आप इसे चेयर पे बैठकर भी कर सकते हो। हमें कुछ जेंटल ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट करना है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, सो दैट कहीं पे भी टेंशन हो उसको फोकस करते हुए उसे रिलीज करना है। एक बार जब बॉडी टोटली रिलैक्स हो जाएगा, देन आपको एक हाथ आपके स्टमक पे रखना है एंड दूसरा हाथ आपको चेस्ट पे रखना है एंड आपको ब्रीथ इन करना है 2 to 3 seconds नोज से। एंड याद रखे, ब्रीथ इन करते वक्त स्टमक ऊपर आना चाहिए यानी एक्सपैंड होना चाहिए एंड चेस्ट बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए। आप इसे रिपीट कर सकते हो 6 to 7 times एंड इसको रिपीट करने के बाद यू हैव टू रिलैक्स एंड जेंटली अगेन breathe in एंड breathe out करना है। Begin with lying straight on the floor. Gently breathe in and breathe out. Whatever tension is there in your body, focus करते हुए उसे release करना है। Now you can bend both your knees and हम knees को 90 degrees ले जाएंगे so that feet is facing the ceiling. Now you can grab both your feet. हम अंदर की तरफ से भी ग्रैब कर सकते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल आउटसाइड से भी ग्रैब कर सकते हो। नीज को वाइडर करना है एज मच एज यू कैन, बट डू नॉट स्ट्रेन योरसेल्फ। यू कैन मेंटेन दिस पोस्चर फॉर 10 seconds। जेंटल ब्रीद इन ब्रीद आउट यूज करना है एंड यू कैन रिपीट दिस एटलीस्ट 5 times ईच टाइम यू डू इट।